आज हम बना रहे हैं गुजिया। उसके लिए हमने एक पाव मैदा लिया है, 2 चम्मच घी। अब हम हाथों की मदद से पहले आटे और घी को एक जान करेंगे। के इस आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है ना ज़्यादा सख्त, बिल्कुल दरमियाना आटा गूंद कर रखना है आपने, फिर गुजिया आपकी अच्छी बनेगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, कम पानी से ही आटा गूंदा जाता है, थोड़ा सख्त होता है इसका आटा। तो ये देखें, हमने खूब अच्छी तरीके से हमने आटे को इस तरीके से कर लिया है। तो ये अगर आप पकड़ेंगे तो ये देखें जोड़ा है आटा, इस तरह का आटा होना चाहिए आपका। हम नीम गर्म पानी से इसे गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसके अंदर, उसको गूंदते जाएंगे। अब हम अच्छे से इसकी मुखियाँ लगाएंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको गूंदना है। आटा अच्छे से गूंद चुका है, ये देखें हमने आटा गूंद लिया है, इतना सख्त है, यानी बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस सही आटा है, इतना ही आटा गूंदा जाता है। ये देखें जितना मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, हम इसको ढक के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, हमने इसको ढक के रख दिया है। गुजिया की जो हम फिलिंग बनाएंगे उसके लिए हम बादाम ले रहे हैं, पिस्ता, किशमिश, खोपरा कुटा हुआ और ये पिसा हुआ खोपरा, और ये 4 इलायची का पाउडर। बादाम और पिस्ते को हम कूट लेंगे मोटा मोटा, तो हम इसे भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। खोपरा भी इसी के अंदर डाल देंगे हम, ये भी भुन जाएगा हल्का हल्का सा। खोपरा भी हमने इसमें डाल दिया है, इसको हल्का हल्का सा भूनना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है धीमी धीमी आंच पर। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये तैयार हो चुका है, भुन चुका है। खोया लेंगे थोड़ा सा, इसको हम धीमी आंच पर पिघला लेंगे। ये मीठा खोया है तो हमें इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमने धीमी आंच पर रखा था और ये पिघलना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ये सारा जो मेवा हमने रखा था वो डाल देंगे, और 4 इलायची जो हमने कूट के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत रह गया है तो वो हम हाथों की मदद से कर लेंगे, जब ठंडा हो जाएगा ये हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आधा कप पानी में हमने एक प्याली चीनी डाली है, तो हम इधर शीरा तैयार कर रहे हैं, आज हमने तेज़ कर दिए। चीनी पिघल चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे चंद कतरे लीमू के सिर्फ। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, बीज हम निकाल देंगे इसमें से। हमने चाशनी बिल्कुल पतली रखनी है, गाढ़ी नहीं रखनी है। ये देखें हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे, अब हम इसे बेलेंगे। जो हमने मेवा तैयार करके रखा था खोए के साथ वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, और इसे हम इस तरीके से बंद करेंगे। अब हम इसे अच्छे से बंद करेंगे, हम इसको खींचेंगे और इसको इस तरीके से बंद करेंगे।
इसी तरीके से हम सारी गुजिया तैयार करेंगे। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे, वो भी तरीका मैं बता देती हूँ। ये गुजिया हमने तैयार कर ली है, इसको एक साइड पर रख देंगे इस तरीके से। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। हम ये ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डाला जाता है गुजिया में, तो गुजिया फट जाती है। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं इसके अंदर। हमने देखें पानी नहीं लगाया, हम बगैर पानी के ही इसको इस तरीके से हम शेप दे दिए। हमने कांटा लेंगे, कांटे की मदद से आप इसको इस तरीके से शेप दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे आप वही तरीका आजमा लें। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है, तेज आंच पर नहीं करना है हमने। तेल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते के साथ ही ये जल जाए। और इसको पकने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे, धीमी धीमी आंच पर पकेगा ये, क्योंकि इसका कलर ही जब ही आएगा, जब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ये अंदर तक खस्ता बनेगी और जब ही खाने में मज़ा भी आएगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखें इसे पलटेंगे इस तरीके से। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, हमने धीमी आंच पर रखा हुआ। अब हम इसे शीरे में डालेंगे और शीरे में डाल के हमने इसको 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है। और शीरा गरम नहीं होना चाहिए, शीरा नीम गुनगुना होना चाहिए। गरम शीरे में बिल्कुल मत डालें, गुजिया आपकी फट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। इसके अंदर इस तरीके से करें आप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल यही तरीका अपनाएं आप। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। गुजिया तैयार हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके से गुजिया तैयार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।